हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, टेंस वीडियोस की अगली कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित स्ट्रक्चर को जानेंगे और साथ ही साथ उसको फ्रेम करने के रूल भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, और वीडियो की लास्ट में इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज भी हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की इस वीडियो में वी विल नो दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ये भी जानेंगे कि इसको फ्रेम करने के रूल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल को भी साथ साथ समझते चलेंगे एंड वीडियो की लास्ट में मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है जिसे आपको अपने नोटबुक में नोट करना है एंड उन्हें ट्रांसलेट करना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टूडेंट्स पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, चुके हैं अथवा लिया है, दिया है, ली है, की है आदि का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, ली है आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि जब भी इस तरह के टेंस को हम देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि वो काम जो भी इस सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है वो पूर्ण हो चुका है। कहीं ना कहीं एक नोट के रूप में भी आप यहां देख रहे होंगे कि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्णता। ओके, सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। राधा सो चुकी है, राधा सो चुकी है, राधा हैज स्लेप्ट, राम ने एक पुस्तक लिखी है, राम हैज रिटन अ बुक। ओके, राम हैज रिटन अ बुक। आप यहां देख रहे होंगे कि राधा क्या है, सब्जेक्ट है और इसमें चुके हैं वर्ड आया है सेंटेंस के लास्ट में, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सो यहाँ स्लिप का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है स्लेप्ट और हैज के साथ हेल्पिंग वर्ब के हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो सारे टेंसेस में जो प्रीवियस में हम लोगों ने टेंस पढ़े उसमें भी मैंने ये बताया कि तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, देन ये रूल तो सब में चलेगा सारे टेंसेस में कि रूल ये इसके थ्री टाइप्स होते हैं, तीन रूपों में इसको फ्रेम करते हैं। इसके सेंटेंसेस को आगे देखते हैं एक एक करके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य किस तरह से फ्रेम होते हैं इस टेंस में, इसको समझ लेते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हैज और हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। याद रखिएगा आप लोग हमेशा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देन सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं या एनी सॉरी देन आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके रूल को देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज का तथा
आई वी यू दे या किसी भी बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। देन क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, कहने का मतलब यह है कि जब भी सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव में हो और ही सी इट लगा हो तो इसके साथ हैज का यूज होता है सेंटेंस बनाते वक्त, और जब भी आई वी यू दे हो या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वहां पर हैव का प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग इन दोनों में होता है, चाहे वो सिंगुलर नंबर में यानी कि चाहे वो आपका एक वचनकर्ता के साथ सेंटेंस बने या बहुवचनकर्ता के साथ सेंटेंस बने, दोनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। आप बच्चों को व्याकरण पढ़ा चुके हैं, यहां देखिए चुके हैं वर्ड आया है, ओके, और कार्य का ऐसा लग रहा है कि कार्य हो चुका है। देन यहाँ देखिए सेम वही स्ट्रक्चर देखिए जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, यू यानी कि सब्जेक्ट, हैव, और हैव का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यू के साथ हैव का यूज होता है। देन टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट ग्रामर टू द चिल्ड्रेन, यू हैव टॉट ग्रामर टू द चिल्ड्रेन। ओके, यहाँ पे देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, देन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज हुआ है, देन टॉट क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म है, टॉट क्या है, वर्ब भी है, साथ में आप देखिए ग्रामर पढ़ा रहा है किसको, बच्चों को, ये देन ऑब्जेक्ट है आपके और कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वे दौड़ चुके हैं, दे हैव रन, दे हैव रन। यहां देखिए आप देखेंगे कि दे क्या है, प्लूरल नंबर है, सो इसके साथ हैव का यूज हुआ है। थर्ड है, मेरी माँ खाना बना चुकी है, माई मदर हैज कुक्ड फूड। यहाँ देखिए माई मदर क्या है, सिंगुलर नंबर है, सो हैज का यूज हुआ है, फिर कुक की थर्ड फॉर्म, कुक्ड, देन ऑब्जेक्ट फूड। ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो स्टूडेंट्स अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट, देन हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके रूल को देख लेते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद नॉट लिख देते हैं तथा मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और जिस तरह का सब्जेक्ट होता है यदि वो सिंगुलर में है तो हैज, एंड प्लूरल में है तो हैव का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, देन जो भी आपकी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होते हैं, देन अदर थिंग्स। ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। तुम वहां नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन देयर। यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि यू के साथ हैव का यूज होता है, देन नॉट, देन गॉन, किसकी थर्ड फॉर्म है, गो की, एंड देयर का यूज हो गया। ओके, सेकंड, रीता के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, रीताज ब्रदर हैज नॉट बॉट अ नॉवेल। ओके, यहां भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है, देन नॉट, देन बाय की थर्ड फॉर्म, बॉट, एंड देन अदर थिंग्स। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल यू। दे के अकॉर्डिंग हैव का यूज हुआ क्योंकि दे प्लूरल नंबर का है, सो उसके साथ हैव का यूज होगा, देन नॉट का, देन कॉल्ड, और देन यू। ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और किसका नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया भी था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एस और नो क्वेश्चंस, एंड सेकंड डब्ल्यू एस एम डी वाले क्वेश्चंस।
एस और नो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस में वो इस तरह से होता है, हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी यहां भी। सेकेंड टाइप जो है वो है डब्ल्यू एच फैमिली वाले, इसमें पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लिखते हैं, देन हैज लिखते हैं और हैव लिखते हैं जो भी सब्जेक्ट की मांग हो, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसके रूल को देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप वन, पहले टाइप वन को समझते हैं जो एस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कर्ता के अनुसार हैज और हैव को कर्ता से पहले लिख दिया जाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि उस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कि क्या शब्द शुरू में आ जाता है उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, इसमें क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो है उसी को स्टार्टिंग में लिखते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। क्या उन लोगों ने तुम्हें देखा है, हैव दे सीन यू। यहां देखिए क्या वर्ड के अब कब आया है, क्या वर्ड आपका सब्जेक्ट से पहले आया है यानी कि कर्ता से पहले आया है। तो यहां क्या करेंगे, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एनीथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हैव दे सीन यू, क्या उन लोगों ने तुम्हें देखा है। सेकंड देखिए, क्या कमल कॉलेज नहीं गया है। यहां भी देखिए क्या वर्ड जो है वो कब आया, वो भी सब्जेक्ट के पहले आया है। तो इसकी कैसे बनेंगे, इसको कैसे फ्रेम करेंगे इस तरह के सेंटेंस को, हैज कमल नॉट गॉन टू कॉलेज। यहां भी देखिए मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और भी है इसमें, मैंने इसमें नहीं का यूज किया जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है कि कुछ नहीं करना होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नॉट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। टाइप टू को समझ लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कब आदि वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज और हैव लिखी जाती है और कर्ता के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि जब भी वाक्य में क्या शब्द जो होता है वो ये वाक्य के पहले, वाक्य के एकदम स्टार्टिंग में न आकर के वाक्य के बीच में आता है। अभी आप लोगों ने प्रीवियस में एस और नो वाले में देखा होगा, उसमें वाक्य के पहले आ गया था सब्जेक्ट से पहले, लेकिन इसमें क्या होता है वाक्य के बीच में आता है, तो वहां पर जितने भी कब, क्या, क्यों, कैसे जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं उनके पहले इंग्लिश लिखते हैं, देन हैज और हैव लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब लिखते हैं और उसके बाद एनी कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। मुकेश कहाँ गया है, वेयर हैज मुकेश गॉन। यहाँ देखिए कहाँ क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली का प्रश्नसूचक शब्द है, तो यहाँ पर पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, देन हैज लिखेंगे क्योंकि मुकेश सिंगुलर नंबर है, तो देन उसके, तो इसलिए उसके साथ हैज का यूज होगा, उसके बाद मुकेश लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सेकेंड है तुम उसके साथ कहाँ रह चुके हो, Where have you lived with him? यहां भी देखिए you के अकॉर्डिंग have लगा है, पहले क्या किया गया, कहां की इंग्लिश लिखी गई है, where, then उसके बाद you के साथ have का यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ have और has का यूज होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद have लिखेंगे, then subject, then verb की थर्ड फॉर्म, then anything, okay? Next देखिए वे दिल्ली क्यों गए हैं, वे दिल्ली क्यों गए हैं, इसका देखिए why have they gone to Delhi? अब यहां देखिए क्यों क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए सबसे पहले क्यों वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, why, देन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग have और has, तो यहां दे है इसलिए यहां have का यूज हुआ है, देन gone वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एनी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होते हैं और इसके रूल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक इस वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमने समझा, उसके बेस पर
मैंने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं आपको, जिसे आपको दो टाइप से करना है। एक क्या है, पहला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सेकंड है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं सॉरी ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैं इसको एक एक करके पढ़ देती हूँ ताकि आपको कहीं भी अगर कोई वर्ड्स क्लियर ना हो रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उसे समझ सको। ओके, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, थर्ड है किसान ने अपना खेत जोत लिया है, वह एक किताब पहले ही लिख चुका है, नेक्स्ट इज मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, नेक्स्ट क्या सूर्य पूरब में निकल चुका है, नेक्स्ट इज क्या तुमने एक नई कार खरीदी है, वह और लास्ट वन इज वह अब कहाँ गया है। ओके, सेकंड टाइप को देख लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। फर्स्ट देखिए, आई हैव रीड माई बुक, सेकंड इज दे हैव गॉन टू कलकत्ता, थर्ड इज रेखा हैज लेफ्ट आगरा, नेक्स्ट इज द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर, नेक्स्ट इज द सन हैज राइजन, नेक्स्ट यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, नेक्स्ट इज हैज योर ब्रदर डन योर होमवर्क, एंड लास्ट वन इज वेयर हैव दे गॉन। ओके स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसको ट्रांसलेट करिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये वीडियो आपको? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझना है तो आपको इसके प्रीवियस वीडियोज में जो भी टेंस रिलेटेड वीडियोज है, इसकी प्रीवियस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, उनको आप देखते हुए यदि यहाँ तक आएंगे तो आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।